हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके लिए पहले एक मैथ की सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ट्रिक लेकर आया था, डबल डिजिट स्क्वायर की। ओके, डबल डिजिट का अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पहले आपके लिए एक ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। और आज हम निकालेंगे एक ऐसी ट्रिक जिसमें कि हम थ्री डिजिट, कोई भी नंबर हो थ्री डिजिट का, हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम आज की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। और ये ट्रिक हमारी थ्री डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना है। ओके, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि ट्रिक बहुत अच्छी है और आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, देखिए, सपोज आप चाहते कि आपको स्क्वायर निकालना है 209 का, 209 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए ध्यान से देखना, 209 200 से कितना बड़ा है। 209 200 से 9 बड़ा हुआ है, ठीक है, 9 बड़ा है। तो पहले आपको इसका स्क्वायर निकाल, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ओके, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। अब देखिए, 209 में आपको 9 ऐड करना है, 209 प्लस 9 कितना हुआ, 218, ये 218 हो गया ना। अब आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, 209 हमारा किसकी लाइन में आता है, 200 की लाइन में, 200 की लाइन में आता है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये नंबर जिसकी लाइन में आता हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता होगा कि 218 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 436। और फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। ओके, हमारा 209 का स्क्वायर कितना है, ये आप यहाँ पर स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए, हमें 209 का स्क्वायर निकालना था, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ये देखा कि 209 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए, 209 में आप 9 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 218। और हमारा ये नंबर जिसकी लाइन में आता है, मतलब 200 की लाइन में आता है नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर ये नंबर 300 की लाइन में आता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 400 की लाइन में आता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ओके, इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, हम कुछ और नाप के सामने नंबर्स लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप मानिए कि हमें अब निकालना है 411 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। ओके, ध्यान से देखना आप थोड़ा, 411 से कितना बड़ा है, 11 बड़ा है ना 400 से, तो आपको 11 अलग से लिखना है। अब देखिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ये आपको 1 यहाँ पर कैरी में लिखना है, क्यों, क्योंकि ये नंबर हमेशा हमें 2 डिजिट का लेना है। ओके, 411 से 11 बड़ा है, 11 का स्क्वायर 121। अब 411 में 11 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 422। और जो कि नंबर हमारा 400 की लाइन में आता है तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8, 4 4 16। अब आप कहेंगे कि इस 1 का हमें क्या करना है, तो 1 हमें इसमें ऐड करना है। देखिए, 11 का स्क्वायर 121 था ना, तो मैंने 1 कैरी में लिख लिया था। तो देखिए, यहाँ पर 1 2 8 1 9, और ये 8, ये 6, ये 1, और यही नंबर हमारा 411 का स्क्वायर है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमारा आंसर निकल आया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। सपोज अब आप चाहते हैं कि हमें 491 का स्क्वायर निकालना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना,
491 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए 491 आपका 500 से, देखिए 500 की क्लोज है ना ये नंबर, तो 500 से कितना कम है, 9। 491 किसके क्लोज है, 500 के, और 500 से कितना कम है, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए ये नंबर हमारा 200 से ज़्यादा था 9, तो हमने इस नंबर में 9 ऐड करके 280 लिखा था। अब देखिए 491 हमारा 500 से कितना कम है, 9, तो इस नंबर में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो साइन यहाँ पर लगा हो वही ऑपरेशन यहाँ पर करना है। तो 491 में से जब 9 जाएगा तो आपके पास बचेगा 482, ओके। और अब आपको ये देखना है, मैं ये थोड़ा 81 थोड़ा और नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर 81, ओके। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर हमारा किसका क्लोज था, 500 के, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, ओके। तो देखिए 5 2 10 कैरी 1, 5 8 40 और 141 कैरी 4, 5 4 20 और 24। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यही हमारा 491 का स्क्वायर है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने ये स्क्वायर निकाल लिया, ओके। चलिए हम और क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने। सपोज आप चाहते हैं कि आपको 712 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 712। तो देखिए 712 700 से कितना बड़ा है, 12, तो आपको यहाँ लिखना है प्लस 12। 700 से 12 बड़ा है ना, तो आपको यहाँ पर प्लस 12 लिखना है, ओके। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 1 कैरी और मैंने डबल डिजिट में लिखा 44, 12 का स्क्वायर 144। अब 712 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो आप कितना मिलेगा आपको, 712 में जब 12 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 724, ओके। और जो कि ये नंबर हमारा 700 की लाइन में आता है तो 7 से ही मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 4 28, 7 2 14 और 2 16, 7 7 49 और 150। और देखिए ये आपने 1 कैरी लिया था तो अब आप इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर 4 4 9 6 0 5, और यही हमारा 712 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने कितने आसानी से नंबर्स का स्क्वायर निकाला आपके सामने। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ आपके सामने सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस सिर्फ आपको इन पर अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मानकर चलना कि आपको SSC जैसे एग्ज़ाम में, रेलवे जैसे एग्ज़ाम में 1-2 नंबर बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं आपको, अगर आप इन पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए सपोज़ आप चाहते कि 793 इसका स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखिए ध्यान से देखना, 793 ये नंबर हमारा किसके क्लोज है, 800 के, ये नंबर हमारा 800 से क्लोज है ना, तो अब आप देखिए 800 से कितना कम है, ये हमारा कम है 7, ओके। 793 हमारा 800 से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, डबल डिजिट में है ये 49, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए जो कि हमारा नंबर 800 से 7 कम था, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 793 में से माइनस 7 कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 786। और मैंने आपको बताया था कि ये नंबर हमारा 800 से 7 कम है, तो 800 के पास था ना, तो 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, ओके। अब आप सीधा मल्टीप्लाई करिए तो आपके सामने डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 8 6 48, 8 8 64 और 4 68, 8 7 56 और 6 62। अब आपने देखा होगा कि आपके सामने जो नंबर है वो हमारा 793 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये क्वेश्चंस कितने इजी हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है।
देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये नंबर हमारा 700 की लाइन में आता है तो 700। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि ये नंबर हमारा 800 की क्लोज था, कितना कम था 800 से 7। ठीक है, आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 793 को 800 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 800 से 7 कम था, तो 7 का स्क्वायर 49 और जो कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो आपको इस नंबर में से 7 को माइनस करना है, जो कि 793 में से जब 7 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 786। और 786 को ये हमारा देखिए 800 के पास में था ना ये नंबर, तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वैल्यू मिली है और ये पूरा नंबर हमारा 793 का स्क्वायर था। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। चलो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सपोज आप चाहते हैं कि 495 का स्क्वायर निकालना है, 495 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। देखिए 495 ये नंबर हमारा किसके क्लोज है, 500 के। ओके 500 से कितना कम है, 5, तो ये देखिए 495 ये 5 कम है हमारा 500 से, तो मैंने 5 यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, चलो मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जो कि हमारा डबल डिजिट में है। ओके अब देखिए 495 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 490, और ये नंबर हमारा 500 के पास में था तो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 50 जा 0, 59 जा 45, 4 कैरी, 54 जा 20 और 424। और फ्रेंड्स यही नंबर हमारा 495 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस टाइप की ट्रिक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना था। ओके अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।